हेलो दोस्तों, फिर से अगेन। मेरा नाम रामानंद कुमार, मैं आपके लिए एक क्लास लाया हूँ फिर से, डीएनए एंड आरएनए, जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए पहले ही से तैयार करके रखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगे। इस चैनल को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डीएनए का फॉर्म लिखा हुआ है रेड पेन से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका तो फॉर्म मालूम होना चाहिए। ये होता क्या है, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल्स, बोथ दोनों जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग थिंग्स, जितने जैसे कि लिविंग थिंग्स में तो नहीं आता है वायरस, उसमें भी आरएनए या डीएनए में पाया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा। डीएनए ही पाया जाएगा या आरएनए ही पाया जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी, और राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब ऑक्सीजन को वहाँ देता होगा। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, उसको डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो यूनिट ऑफ डीएनए, क्या कर रहे हैं आपको, यूनिट ऑफ डीएनए हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कोई भी पूछेगा कि डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं, तो कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी दो चीज से बनता है, जिसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपको स्ट्रक्चर ही बताया जाता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर इसमें नहीं पढ़ना है। इसको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार से बना होता है, सुगर एंड बेस। बेस के मतलब यहाँ पर क्षार, बेस होता है जैसे नाइट्रोजिनस बेस कहेंगे, बस समझ रहे हैं ना, नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस बेस, बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। याद रखिए, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, इसका हिंदी नहीं होता, ये नाम है, नाउन है ये, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरिन भी दो प्रकार का होता है, एक देख सकते हैं आप, दीज आर टू टाइप्स, एडिनिन जिसको ए से सिंबल करेंगे, गोवानिन जिसको जी से सिंबल करेंगे। इसका एक कोड होता है पूजा, आपको याद होगा पूजा। पू मतलब हो गया प्यूरिन, जे मतलब हो गया गुआनिन, ए मतलब हो गया एडिनिन, याद रखिएगा पूजा। और बचता है फिर से उसके बाद पाइरिमिडिन। पाइरिमिडिन दीज आर थ्री टाइप्स, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिन। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि देखिए पूरा नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार में पांच तरह के बेस पाए जाते हैं। एक प्यूरिन में पाया गया दो, पूजा, तो पू मतलब प्यूरिन, जी मतलब गुआनिन, ए मतलब एडिनिन। अब बच गया तीन, जो किसमें आ जाएगा अपने आप, पाइरिमिडिन में आ जाएगा। याद करने का तरीका हो गया। इन डीएनए, ये बहुत जरूरी बात है, याद रखिएगा, डीएनए में भी चार बेस पाया जाएगा और आरएनए में भी चार बेस ही पाया जाएगा। ये बहुत आदमी बोल देते हैं नाइट्रोजन में बेस इज द फोर टाइप्स, नो, नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। लेकिन प्यूरिन और पाइरिमिडिन में भी अंतर होता है, समझ रहे ना बात, स्ट्रक्चर का अंतर, एडिनिन, गोवानिन, थायमिन, साइटोनिन, यूरासिन, इसमें प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन दोनों पाया गया। देखिए इन डीएनए, एडिनिन जुड़ा हुआ है थायमिन से, आपको दिखाएं ए इससे लिखा, एडिनिन ए, थायमिन किससे, टी से, साइटोसिन किससे, तो सी से, और यूरासिल किससे लिखा जाएगा, यू से। तो ए टी से जुड़ा हुआ है, देखिएगा डबल बॉन्ड के साथ, और जी भी जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सी के साथ, मतलब साइटोसिन और गुआनिन। किसके साथ जुड़ा हुआ है, विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, याद रखिएगा। ये सिर्फ डीएनए में है, लेकिन 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 आरएनए में देखिए, एडिनिन से थायमिन नहीं जुड़कर यूरासिल जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना,
डीएनए, और डीएनए में क्या है एडेनिन से थाइमिन, लेकिन आरएनए में एडेनिन से यूरासिल जुड़ा हुआ, और जी से सी जुड़ा हुआ है गुआनिन से साइटोसिन। ये हो गया, ये आपका डीएनए और आरएनए का बेसिक अंतर है। ये और डीएनए इज द डबल हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब कह सकते हैं एक सीढ़ी लीजिए, जो बांस का सीढ़ी होता है उसको आप मोड़ दीजिए तो डबल हेलिक्स उसी को कहेंगे, और इसको दहिना साइड से मोड़ना है, राइट हैंडेड होता है, लिख देते आपको राइट हैंडेड होता है, मतलब दहिना हाथ से आपको मोड़ना, दहिना तरफ से ऐसे। डिस्कवर बाय वार्सन एंड क्रिक डबल हेलिक्स, डीएनए का खोज तो बहुत आदमी का सिर जाता है, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ डबल हेलिक्स, तो इसीलिए आपको लिखे डिस्कवर बाय वार्सन एंड क्रिक, अवार्ड में नोबेल प्राइज 1962 ईस्वी में इसको मिल गया नोबेल प्राइज। वर्क है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफर करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको उतना पढ़ना नहीं है इसीलिए आपको बताया नहीं गया है। डीएनए का ट्रांसफर एक पेरेंट से दूसरे ऑफ स्प्रिंग में डीएनए का ट्रांसफर होगा कैसे, जैसे आप देखिए स्पर्म, स्पर्म में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, ओवम उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, दोनों हाफ हाफ न्यूक्लियस होता है, और क्या करता है वो एक दूसरे से फ्यूज करके एक ऑफ स्प्रिंग का, बेबी का या जायगोट का या कुछ जो कहना आपको, एक सेल का निर्माण करता है जिसमें फुल आधा हो गया मेल का और आधा हो गया फीमेल का, दोनों मिलकर एक फुल बनाता है, मेल या फीमेल दोनों में से एक हो सकता है, या ट्रांसजेंडर भी होता है, इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा आपको। तो जेनेटिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक लंबा प्रोसेस है, इसी पर आधारित करता है इवोल्यूशन। रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करो रेगुलेट, याद रखिएगा डीएनए काम है रेगुलेट करना, और डीएनए पाया जाए किस कहाँ जाएगा न्यूक्लियस में, और आरएनए, आरएनए और डीएनए में अंतर है, थोड़ा मोरा अंतर है कि डीएनए पुराना है आरएनए नया है, डीएनए पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ किस में न्यूक्लियस में, लेकिन आरएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। देख लीजिए आपको ये सेल का स्ट्रक्चर याद होगा, सेल है ये न्यूक्लियस है, इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाएगा, इसमें आरएनए भी पाया जाएगा, यहाँ पर भी आरएनए पाया जाता है, आपको याद होगा पॉलीजोम बनाए थे, देखिए आरएनए है ना जुड़ा रहता है उसी से। और रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि प्रोटीन हमेशा नहीं तो बनता रहेगा, इसको रेगुलेट करने वाला भी कुछ चाहिए, तो कौन करता है डीएनए, डीएनए म्यूटेशन होता है, डीएनए में जब म्यूटेशन होता है तो आरएनए बनता है। तो आपसे कोई भी आदमी पूछ सकता है एडवांस फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन एक बात चर्चा का विषय बन जाता है कि डीएनए ही ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है आरएनए के अपेक्षा, है तो म्यूटेड फॉर्म, हम लोग जैसे इंसान म्यूटेड फॉर्म में, हम लोग नीदरथाल्स से म्यूटेट करके अपने लोग क्रोमैंगोन बने, क्रोमैंगोन से बने अपने लोग मॉडर्न हुए, लेकिन अपने लोग का ज़्यादा जनसंख्या वो सब विलुप्त हो चुका है, तो डीएनए विलुप्त क्यों नहीं हुआ, इसमें कारण है कि डीएनए इज डबल हेलिक्स, बात समझिए, डीएनए इज डबल हेलिक्स या ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए इज द फिजिकल, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लेकिन प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल कह सकते हैं, जैसे कि देखिए केमिकल है जैसे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है, तो डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, याद रखिए, लिख देते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आरएनए आर थ्री टाइप्स, अब आरएनए तो म्यूटेट करके आरएनए बन गया, तो आरएनए डीएनए से कम स्टेबल होता है, ये ज़्यादा लंबा चैन नहीं बना सकता है,
या प्रोटीन सिंथेसिस में जितना मदद कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा मदद कौन करता है, डीएनए। मैं समझ रहे हैं ना, रेगुलेट करता है, लेकिन रेगुलेट डीएनए सॉरी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट नहीं कर सकता है। इसी कारण जो वायरस में या बैक्टीरिया में आरएनए पाया जाता है वो थोड़ा डेंजर होता है, क्यों, क्योंकि वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट नहीं कर पाता है, इसी कारण बीमारी को उत्पन्न करता है। और आरएनए पतला डबल हेलिक्स भी नहीं होता है, सिंगल होता है, इसी कारण डीएनए थोड़ा स्टेबल होता है, किससे, आरएनए से। तो आप एक ये भी विषय बढ़ता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इज द मोस्ट स्टेबल इन द वर्ल्ड, तो आंसर आ जाएगा डीएनए। वहाँ डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, रुबिस्को एंजाइम रहेगा। रुबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा एंजाइम पाने जाने वाला है क्योंकि प्लांट में पाया जाता है। आरएनए आर थ्री टाइप्स, आर आरएनए कहते हैं उसको, राइबोसोमल आरएनए। आपको याद होगा उस दिन आपको बताए थे, जुड़ा हुआ देख रहे, हेल्प अटैच विथ राइबोसोम, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा है टी आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ऑन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टी आर एन ए क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है इसका, तीन मुंह वाला कह सकते हैं, एक मुंह खुला तीन मुंह बंद। और ये क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आपको बताया तो नहीं जाना चाहिए लेकिन आपको बता देते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है ना, एक ऊपर सब यूनिट होता है राइबोसोम का नीचे, और यहाँ पर कुछ कोडोन पाए जाते हैं, और टीआरएनए का काम क्या होता है, यहाँ पर कोडोन मिक्स करता है, जब ही मिक्स किया ना तो ये एमिनो एसिड का निर्माण करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। तो टीआरएनए का काम है ट्रांसफर, मतलब कि एक अच्छे एमिनो एसिड को या कोडोन को पकड़ के लाना है, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट के नीचे चिपका देना है। अगर चिपक गया तो आरएनए सॉरी प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड चूज द राइट एमिनो एसिड, न्यूक्लियस के बाहर बांध जाते हैं, और चूज एमिनो राइट एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हमारे शरीर में 62 प्रकार के देखे जाते हैं लगभग, लेकिन पाए जाते हैं बहुत प्रकार के, और उसमें से सही कौन है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी AUG एक कोडोन होता है, मिथ्योनिन कहते हैं, तो अगर ए है, अगर इसके बदले ACG हो गया तो उसको नहीं लेगा mRNA, किसको लेगा, AUG को लेगा। यही राइट साइड राइट एमिनो एसिड को ये चूज करता है mRNA। और आज क्लास में आपको सिर्फ DNA और RNA के बारे में ही बताया जाएगा, और आप देख सकते हैं नीचे एक लाइन है, DNA से म्यूटेट करके क्या बन गया, RNA, उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह बहुत जरूरी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि DNA से RNA बन गया उसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बन गया उसको ट्रांसलेशन। जो आप लोग, मैं खाता हूँ तो आई एम इट है ना, तीसरी का ट्रांसलेशन, और आरएनए से फिर से डीएनए बन गया, इसको कहेंगे रिवर्स, क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों, तो मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में रफ तरीका से आपको बता दिए हैं। एक स्ट्रक्चर और है आपको देखना चाहिए, देखिए ये राइट हैंडेड है, देखिए राइट हैंडेड, क्या ये डीएनए का एक रफ डायग्राम, डबल हेलिक्स है, देखिए चालू होता है 5:2 इंच कहेंगे इसको, और ये 3:2 और ख़त्म होता है वहीं पर। तो ऐसे होता है, देख लीजिए सीधा में, ये 5:2 है, ये 3:2 है,
और फिर इसको ये 5:2 है, ये 3:2 है, एक दूसरे के उल्टा। तो आइए इसको जोड़ देते हैं, अब इसको दाहिने बगल से मोड़ना है। देखिए मोड़ दो, बहुत लोग क्या करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते समय ऐसे करेंगे और फिर से ऐसे करेंगे, नहीं ये गलत स्ट्रक्चर है, ये हमारे जीन में नहीं पाए जाते हैं डीएनए, ये वायरस आदि के जीन में पाए जाते हैं जो दोनों साइड से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो डीएनए होता है राइट हैंडेड होता है, ये दाहिने बगल से ही पार सकते हैं इसको आप, और एक दूसरे के ये जो है देखिए इसमें 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर बेस, बात समझे, 10 पेयर बेस होते हैं इसकी। जो देखिए एक बांस वाला सीढ़ी देखिए आप, बांस वाला सीढ़ी देखिए, उसको आप मोड़ दीजिए दाहिना बगल से तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये छोटा नहीं है, ये मुड़ा हुआ है इसीलिए आपको दिख रहा है ऐसा, ये छोटा नहीं है, ये सब साथ में जुड़े हुए हैं। अब 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए नहीं बनाए, तो 10 इसमें पाए जाएंगे ऐसा वाला स्ट्रक्चर, सभी में ऐसा है 10, 10, 10, 10, बात समझ रहे हैं ना। हाँ अगर 10 पाए गए तो ये आपके डीएनए का रफ डायग्राम है आपके लिए, 10 पेयर पाए जाएंगे, किसी किसी में 12 पेयर हो जाते हैं लेकिन हम लोग में नहीं पाए जाते हैं वो सब। तो आप आज का क्लास इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप वीडियो को देख कर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।